हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टायरिंग जर्नी थी ना। हाँ यार, नाइस, वेरी नाइस। हाँ ये हवेली का केयरटेकर नजर नहीं आ रहा। हाँ यार, सो रहा होगा यार कहीं वो। अरे नहीं यार, मेरी बात हुई है उसे, पता है कि हम आ रहे हैं। ओह गुड। ये देखो ये आ गए। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, थोड़ी तकलीफ हुई। वो एक्चुअली क्या है ना, भीमगढ़ से आगे सड़क थोड़ी टूटी हुई है उसकी वजह से। उसके अलावा और कोई तकलीफ नहीं हुई। अब होगी जी। क्या हवेली में बिजली नहीं है? क्या मतलब? What? क्या बिजली नहीं है? हाँ बेटा, यहाँ तो ऐसा ही है, बिजली आती कम है और जाती ज्यादा है। इनसे मिलो। ये मेरी पत्नी दमयंती और ये मेरी बेटी रूपाली। नमस्ते। तुम लोग यहाँ आने वाले थे इसलिए हवेली के अंदर साफ सफाई के लिए गई थी। आप इतनी बड़ी हवेली में रहते हैं, आप सब कुछ कहना है इस हवेली के बारे में? कुणाल क्या कर रहे हो, क्यों इन लोगों को कॉन्शियस कर रहे हो? बंद करो कैमरा। सॉरी। हेलो बेटा, आप लोग को अपना वादा तो याद है ना? जी, ये पूरे 10,000 हैं, बाकी के 10,000 आपको सुबह जाने से पहले मिल जाएंगे। बेटा कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम लोग अपना काम खत्म करके वापस चला जाना। किसी को भी अगर पता चल गया कि तुम लोग यहाँ आए थे तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कोई बात नहीं अंकल, हम आपकी भावनाएं समझते हैं। नहीं नहीं अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, हम समझ सकते हैं, हम चले जाएंगे। थैंक यू। चलो लेट्स गो इनसाइड। यार मैं अंदर जाने के लिए बेताब हो रहा हूँ। चलो चलो, एक मिनट रुको, टॉर्च तो लो। ऐसी हवेली मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी है, फर्स्ट टाइम रियलिटी में देख रही हूँ। कितनी खूबसूरत है ना? हाँ यार, और देखना हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आएगी। और कितनी शानदार हवेली है यार, और सबसे अजीब बात यह है कि बहुत सारे लोगों को इस हवेली के बारे में पता ही नहीं है। वही तो, लगभग 60-65 साल पुरानी हवेली होगी। हाँ यार, लगती तो है। चलो फिर ऊपर चल कर देखते। ओके ओके चल चल जल्दी चल। यार इस हवेली को देखने के बाद तो मेरा मन कर रहा है कि काश यार, काश मैं पुरानी सदी में पहुंच जाऊं। उसके बाद मेरी राजकुमार से शादी होगी और फिर
उसके बाद मैं रानी बनकर इस हवेली में राज करूंगी। क्या मस्त हवेली है ना ये। सच में यार, काश मैं हमेशा यहाँ रह पाती। पेंटिंग देख, इतनी सुंदर है ना। चलो और देखते हैं। अरे ये देखो, ये थी इस हवेली की रानी, रानी विशाखा। पहले कैमरे तो होते नहीं थे, पता है रानी और राजा क्या करते थे? अपनी पेंटिंग बनवा के दीवार पर लटका दिया करते थे। कितनी ब्यूटीफुल है रानी विशाखा। मैंने सुना है कि इनकी डेथ कोई हादसे में हुई थी। बेचारी सिर्फ 32 ईयर ओल्ड थी। यार पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म में रानी विशाखा मैं ही थी और अब ये मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तुम लोग मुझे पता क्या लगता है कि आयशा ने तो प्लानिंग कर ली है इस हवेली में अपना घर बनाने की। तुम ही ना। अरे यार कुणाल कहाँ है? अभी तो यहीं था यार। आई एम श्योर यहीं कहीं शूटिंग कर रहा होगा। चलो देखते हैं। चल चल। कुणाल 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 छुपे हो यार, यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है वो। कहीं हवेली में गुम तो नहीं हो गया वो? क्या सैड जो। चलो नीचे देखते हैं। हाँ नीचे चल के देखते हैं। कुणाल 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 कम ऑन यार। कुणाल कहाँ हो भाई? कुणाल कुणाल कहाँ हो तुम? कुणाल कहाँ हो तुम? पता है तुम छुपे हो। आ भी जाओ भाई। कुणाल मैं उस तरफ देखता हूँ। किधर है भाई? कुणाल 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 राशि, विक्रांत, सुहास जल्दी आओ। क्या हुआ?
मैंने कहा था ना छुपा है, देख अंदर। किधर किधर? अंदर है, चल पकड़ते उसे। कुणाल, 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 तू ठीक तो है? इसे क्या हो गया? सुभाष, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। पर यार यहाँ कहाँ डॉक्टर मिलेगा यार? अरे तो एम्बुलेंस को बुलाना यार। गाइस, एम्बुलेंस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, कुणाल इज डेड। क्या? सीआईडी को फोन करना होगा। हेलो सीआईडी, लाश पे कोई चोट या जख्म का निशान दिख तो नहीं रहा है। हाँ सर, और इसकी उम्र भी तकरीबन 20-22 के आसपास होगी। तो फिर मौत कैसे हो गई इसकी? सर इसकी आंखें फटी हुई थी, तो सर जरूर इसने ऐसा कुछ देखा होगा जिसे देखकर इसे हार्ट अटैक आ गया। हाँ सर, हो सकता है, क्योंकि जगह काफी डरावनी है सर। हो सकता है इसने कुछ भयानक देख लिया हो। तो आप लोग यहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए थे? हाँ सर, इस हवेली के 65 साल के इतिहास पे सर। और सर कुणाल, कुणाल हमारा कैमरा मैन था सर। तो आप सब लोग कुणाल के साथ ही घूम रहे होंगे ना इस हवेली में, तो आपको पता नहीं चला इसकी मौत कैसे हुई? सर शुरू में तो हम सब एक साथ ही थे, फिर अचानक से कुणाल हम सबसे अलग हो गया, और जब उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आए तो इस रूम में उसकी लाश गिरी थी। उसके चीखने की आवाज नहीं सुनी किसी ने? नो सर, चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आई। सब 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 मेरी गलती है। मैंने थोड़े ज्यादा पैसे कमाने के लालच में आके इन लोगों को यहाँ रात गुजारने की इजाजत दे दी। अब जब सरकारी ऑफिसर आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? ये हवेली सरकारी प्रॉपर्टी है ना? हाँ सर, हवेली का कोई मालिक जिंदा नहीं बचा था, इसलिए हवेली सरकार के पास चली गई, और उन लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को इसकी देखभाल की इजाजत दी थी। सर हमें लगता है कि ये काम किसी आत्मा का है। बकवास बंद कर, समझा? आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता। पर सर इस हवेली में आत्मा ये बात पूरा इलाका जानता है, और जो भी यहाँ आज तक आकर रुका है उसकी मौत हुई है। अच्छा साहब, ये सब अफवाहें हैं, आप इन लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अच्छा आप लोग ये बताइए कि क्या रिकॉर्डिंग इसी कैमरे से की गई थी? हाँ सर। अच्छा सर, फिर तो इस वीडियो फुटेज में वो खूनी जरूर होगा। इस कैमरे की फुटेज चेक करते हैं, सब पता चल जाएगा। सर सर उस हवेली का पूरा इतिहास पता चल गया है। क्या पता चला? सर 20 साल पहले वो हवेली शेरा नाम के आदमी के पास थी, उसने अपनी बीवी का खून किया और वो हवेली किसी धनंजय को बेच दी और सारा पैसा बटोर के भाग गया। और शेरा पकड़ा गया वो? हाँ सर पकड़ा गया था, और वो अभी भी जेल में। पर जिस धनंजय को उसने हवेली बेची थी उसकी 5 साल पहले मौत हो गई, उसके आगे पीछे कोई था नहीं, इसलिए वो हवेली सरकार ने जब्त कर ली। अच्छा, और सर बस फिर लोगों ने कहानियां बनाना शुरू कर दी कि आज भी उस हवेली में शेरा की बीवी की आत्मा भटकती है। सर आत्मा रेडी है। क्या? फुटेज रेडी है सर। दिखा। आवाज सुनी? हाँ सर। सर कहीं वो शेरा की बीवी तो नहीं है? शराब विवान कर दे, प्ले करो। सर ये तो दरवाजा खुलने की आवाज है। Exactly. तो दरवाजा खुलने की आवाज है, मतलब कोई तो दरवाजा खोलकर अंदर आया जब कुणाल अपने कमरे में था, और शायद उसने कुणाल का खून भी किया। सर लेकिन खूनी कुणाल को कैसे मार सकता है, क्योंकि उसके शरीर पे तो कोई निशान था ही नहीं। वही तो मगर सचिन,
उन दोस्तों के अलावा उस हवेली में कोई था ही नहीं, तो फिर कौन आया उस हवेली में दरवाजा खोलकर? और फिर है कौन वो जिसने कुणाल का खून कर दिया? मगर कैसे कैसे मारा कुणाल को? ना कोई चोट के निशान, ना कोई चीखने चिल्लाने की आवाज, तो फिर उसने कुणाल को मारा कैसे? और है कौन ये, है कौन ये? डॉक्टर साहब, कुछ बताया लाश ने? अरे अभिजीत, बहुत ही दर्दनाक कहानी है इस लाश की। अच्छा, क्या है? ये देखो, इसके पूरे शरीर पर जगह जगह क्रैम्प्स पड़ गए हैं। मतलब समझते हैं इसका? मतलब क्या मतलब? इसका मतलब ये कि मरने से पहले कुणाल को लकवा मार गया था, इसका शरीर पैरालाइज हो गया था और ये चलने फिरने की स्थिति में ही नहीं था। ऐसा कैसे कह सकती हो डॉक्टर दारिका? कुणाल के दोस्तों ने तो बताया था कि ये ठीक ठाक थे, दो मिनट पहले डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर रहे थे। फ्रेडी, होश में बात करो। जब दारिका जी कुछ बोलती हैं तो सोच समझ के बोलती हैं। उनके दावे पे शक करना ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या करते हो यार तुम? दारिका जी की बात पर शक करते हो तुम? कमाल करते हो यार। नहीं नहीं, देखो ना, इसकी बॉडी भी यही कह रही है। देखो अभी जगह जगह से इसके पैर मुड़ गए हैं। मतलब इसकी मौत लकवे की वजह से हुई है? नहीं शे, मौत इसकी लकवे की वजह से नहीं हुई, इसकी मौत हुई है जहर की वजह से। ये डायबिटीज का पेशेंट था, इसे डायबिटीज थी, रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता था। ये देखो, किसी ने इंसुलिन का इंजेक्शन बदलकर जहर का इंजेक्शन रख दिया। ये काम तो कोई पास वाला आदमी कर सकता है, शायद कोई दोस्त। वैसे ये जहर कौन सा है? अभिजीत, जहर का भी पता नहीं चला, थोड़ा वक्त लगेगा। टाइम लगेगा? टाइम लगेगा, हाँ। पारिका जी कह रही है टाइम लगेगा। तो ठीक है ना, टेक योर टाइम। हाँ कोई बात नहीं। रेडी, तब तक कुणाल के दोस्तों को जरा ब्यूरो में बुलवाओ। आप लोग हम पे शक कर रहे हैं सर, ये गलत है सर। तो और किस पर शक करें है? और किस पर शक करें? कुणाल तुम्हारे साथ पूरा दिन था, 4 बजे तुम लोगों ने शहर छोड़ा और रात के 11 बजे उस हवेली में जाकर पहुंचे। तो तुम लोगों के अलावा और किसके पास मौका था उसे वो इंजेक्शन देने का, बताओ बताओ। सर, इंजेक्शन उस खूनी ने लगाया होगा हवेली में अंधेरे का फायदा उठा के। तुम ही लोग तो कह रहे थे कि तुम लोगों के अलावा उस हवेली में और कोई था ही नहीं। सर, शायद उस केयर टेकर ने किया हो ये सब लूटने के मकसद से। हाँ सर, उस हवेली में कोई था जब हम हवेली में घूम रहे थे, पल भर के लिए मैंने एक साई को देखा। फिर अचानक से वो गायब हो गया। सर, शायद वाकई वो हवेली भूतिया हो। ये आत्माएं तुम लोगों को ही कैसे दिखती है? हम सीआईडी वालों को क्यों नहीं दिखती है? सर, अपनी जान बचाने के लिए ये लोग आत्मा वात्मा की कहानियां बना रहे हैं। सर, एक बात बताऊं? बोलो। पिछले हफ्ते कुणाल ने आयशा को प्रपोज किया था कि वो उससे प्यार करता है। आयशा ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था। तो ठुकरा दिया तो ठुकरा दिया, पर इसका मतलब ये तो नहीं था सर कि मैंने उसका खून किया है। इल्जाम लगाना है तो सुहास पे लगाओ ना। याद है ना कि पिछले महीने लोनावाला में इनके बीच हाथापाई हुई थी? बोलो, याद है कि भूल गए? सर, हम लोग तो मस्ती कर रहे थे सर, और सर आपको तो पता है कि दोस्तों में तो ये सब चलता है सर। ये हाथापाई किस बात को लेकर हुई थी? सर, मैं कह रहा था कि अरमान अच्छा एक्टर है,
और वो कह रहा था कि सिद्धार्थ अच्छा एक्टर है। अब सर आप ही बताइए, अरमान कितना वर्सटाइल एक्टर है सर, और सिद्धार्थ वो सिर्फ अपने चेहरे पर चल रहा है सर। गलत कह रहे हो तुम, वो दोनों बहुत अच्छे एक्टर है। जा सकते हो तुम लोग। सचिन, इन पर नजर रखो, कड़ी नजर, और दोबारा उस हवेली में जाकर अच्छी तरह से चेक करो। जिसने भी ये किया है ना, उसने कोई ना कोई भूल तो जरूर की होगी, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा वहां पर। हवेली का एक एक खूना जान मारो, उंगलियों के निशान, पैरों के निशान को सुराग में ताकर देखो। खूनी ने हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ छोड़ा होगा। चारों तरफ फैल जाओ। सचिन निकल, इस तरफ देखो। पूरे देखो, सर हवेली की एक चीज देख ली, कोई निशान नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे शक हो। सर सर इस तरफ भी कुछ नहीं। सर मुझे लगता है खूनी ने अपना कदम बहुत फूक फूक के रखा है, जरूर उसने सारे निशान मिटा दिए। निशान वही आदमी मिटा सकता है जो इस हवेली के अंदर आसानी से आ जा सकता है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, जब कुणाल को जहर इंजेक्शन के जरिए दिया गया होगा, उसे दर्द हुआ होगा, वो चीखा होगा, चिल्लाया होगा, तो उसकी चीख की आवाज किसी ने सुनी कैसे नहीं? ये भी तो हो सकता है पूर्वी के हवेली में आने से पहले कुणाल को किसी ने वो जहर वाला इंजेक्शन दे दिया। सर अगर उसे इंजेक्शन हवेली में आने से पहले दिया गया तो फिर उसके दोस्तों का ही काम हो सकता है। हो सकता सचिन, जब तक खूनी नहीं मिल जाता हमारा शक सभी पे रहेगा। ये तो निखिल की आवाज है। निखिल, 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 निकल का? सर कहीं चीख की आवाज इस कमरे से तो नहीं आई जिसमें खून हुआ? देखते निकल, कमरा अंदर से बंद है। एक मिनट, निकल, निकल, निकल। सर सर निकल कहीं नहीं है सर, दरवाजा भी अंदर से बंद था। कोई तो था यहाँ पे, जो कुछ भी हुआ है यही हुआ है। ये क्या खून? और ये खिड़की भी खुला सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि निखिल पे यहीं पे हमला हुआ और उसे कोई बाहर ले गया? ज्यादा दूर नहीं गए होंगे सचिन, जरा बाहर जाके देखो। संभाल गए सर, लगता है निखिल ने खूनी को देख लिया होगा। हो सकता है। ये काम कर पूरी, इस ब्लड के सैंपल को उठा लो, मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा कि खून निखिल का है या फिर उस खूनी का।
अभिजीत, हवेली में जो खून मिला था वो निखिल का नहीं, किसी और का है। और इस आदमी के शरीर में जो जहर था वो बैक्स्टर गुडॉल है। बैक्स्टर गुडॉल? कभी सुना नहीं जहर के बारे में। जहर में दरअसल इस आदमी को पैरालिटिक अटैक हुआ और उसके बाद ही मर गया। सर ये जहर तो बहुत ही खतरनाक लगता है। बहुत खतरनाक है, इसीलिए आसानी से मिलता नहीं है। अच्छा, कहाँ पे मिलता है? अभिजीत, इस शहर में तो ऐसे दो ही लैब्स हैं जहाँ ये जहर बनाया जाता है। अच्छा, कौन से लैब्स हैं? ट्रिनिटी और वेस्को लैब। ग्रेट, काम आसान हो गया। इन दोनों लैब से पता करते हैं कि ये जहर खूनी के पास आया कहाँ से, हवेली तक कैसे पहुंचा। इस पूरी हवेली में जो भी गड़बड़ है वो इस कमरे में ही है। कुणाल की मौत इस कमरे में हुई थी और निखिल भी इसी कमरे से गायब हुआ था। पर सर खूनी अंदर घुसा कैसे हुआ? सर इस कमरे में आने जाने का कोई ना कोई खुफिया रास्ता जरूर होगा। हो सकता है सचिन, ये देखिए सर, यहाँ पे जगह खोखली है। हाँ, और ये टाइल्स में गैप भी आ गया। जस्ट उस साइड निकालना। ये है कमरे के अंदर आने का खुफिया रास्ता। चलो अंदर चल के देखते हैं। निखिल! ओह नो! निखिल! निखिल होश में आ! निखिल! सर, एम्बुलेंस को फोन करता हूं। हाँ, इसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। निखिल! निखिल! निखिल होश में हो? निखिल! सर ये कुंडल देखिए, हो सकता है खूनी का। हो सकता है, इसे एविडेंस बैग में डालो। जिसने भी निखिल की हालत की है इसकी उल्टी गिनती शुरू। ले चलो इसे बाहर। चल देखिए। Excuse me? कौन है आप लोग? CID. CID? यहाँ? क्या बात है सर? Baxter Goodall का नाम तो सुना होगा आपने। Baxter Goodall? ये तो एक किस्म का जहर है सर, जिससे पहले इंसान को लकवा मार जाता है, बाद में उसकी मौत हो जाती है। और फिर आप ये भी जानते होंगे कि ऐसा जहर सिर्फ दो जगह मिलता है, एक ट्रिनिटी लैब में और एक आपकी लैब में। हम ये जहर सिर्फ रिसर्च वगैरह के लिए बनाते हैं सर, लाइसेंस है इसका हमारे पास। आपके रिसर्च के लिए बनाए गए जहर का इस्तेमाल खून करने के लिए किया गया है। खून? जी हाँ, एक 24 साल के लड़के की जान चली गई है इसी जहर की वजह से। हमारे यहाँ से वो जहर बाहर जा ही नहीं सकता, जरूर वो दूसरे लैब वालों ने दिया होगा। हमने उस लैब में भी पता किया है, जहर वहाँ पे है ही नहीं, इसी लैब से जहर गया है। सर मैं वो जहर ऐसी सुरक्षित जगह पे रखता हूँ जहाँ से कोई ले ही नहीं जा सकता। अच्छा, आपकी वो सुरक्षित जगह हम भी देख सकते हैं? चलिए। ओ, ये है वो सुरक्षित जगह। सर मुझे तो लगा था कि ये किसी तिजोरी में रखा होगा, खजाने की तरह। ये क्या? क्या हुआ? जहर की बोतल आधी खाली है।
बेच दिया जहर? नहीं नहीं सर, मैं भला क्यों जहर बेचूंगा, जरूर किसी ने चुराया होगा। चुराएगा तो है ये। इतना खतरनाक जहर आप लोग इतनी लापरवाही से रखते हैं यहाँ पे? सर लेकिन यहाँ तो 24 घंटा सिक्योरिटी रहती है, बाहर का तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब किसी अंदर वाले का काम है। बुलाइए अपने सिक्योरिटी वाले को यहाँ पे। सर हमारे सिक्योरिटी बहुत मुस्तैद है, यहाँ बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आ सकता। अच्छा, तो फिर जहर कैसे चोरी हो गया? पता नहीं सर, लेकिन सर एक रात राहुल सर यहाँ आए थे। राहुल कौन है? मेरा असिस्टेंट है। बुलाइए उसे। आज तो वो आया नहीं है। अच्छा, इस राहुल का एड्रेस दो और उसकी एक फोटो भी। एक लैब असिस्टेंट का इतना आलीशान घर, लगता है दो नंबर के पैसों से बनाया होगा। अच्छी तरीके से तलाशी लो करके। ये तो मर चुका है। राहुल ही है, खून अभी तक सूखा नहीं है, मतलब एक डेढ़ घंटे पहले चाकू मारा गया इसे। सर हमने तो सोचा था कि कुणाल के खून में राहुल का हाथ है, पर अब किसी ने राहुल का ही खून कर दिया। खूनी बहुत चालाक है, पहले उसने राहुल का इस्तेमाल किया जहर चुराने में, फिर जब उसे लगा कि हम राहुल के जरिए उस तक पहुंच जाएंगे, राहुल को रास्ते से हटा दिया। है कौन ये हवेली का खूनी? सर ये तो बहुत पुराने जमाने की इयररिंग्स लग रही हैं। वो पुराने सीरियल आते हैं ना सर टीवी पे, उसमें लोग पहनते हैं वैसी। हाँ पंकज, ज्यादातर ये हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल नाटक या फिल्में आते हैं ना, उनमें कैरेक्टर्स पहनते हैं ये कुंडल। सर सर हो सकता है खून करने वाला कोई एक्टर हो जो हवेली के अंदर आत्मा का किरदार निभा रहा है। और सर ये निखिल भी बेहोश हो गया, इस वजह से खूनी को देख नहीं पाया। हाँ लेकिन पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये कुंडल आया किस दुकान से है, आया किस दुकान से। यहां पर कुछ तो लिखा है, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास दे रहा हूं। सचिन इसके पीछे लिखा है जी एस, जी एस, पता लगाओ शहर में कोई जीएस ड्रेस वाला कॉस्ट्यूम वाला है क्या, या फिर जीएस नाम का कोई ज्वेलरी शॉप है क्या? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये परसों आपका जो प्ले हो रहा है वो ना उसकी पूरी ज्वेलरी तैयार है। हाँ कभी भी भेज दीजिए लड़के को, डिपॉजिट के पैसे पूरे भेजना। ओके बाय। हाँ आइए साहब, कहिए क्या चाहिए आपको, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, नकली दाढ़ी मूंछ भी रखते हैं हम। जी नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? ये देखिए ये कुंडल, ये आप ही की दुकान का है ना?
जी हाँ सर, ये हमारी दुकान से है, लेकिन आपको ये कहाँ मिला? ये हमें एक पुरानी हवेली में मिला, जहाँ पे खून हुआ। खून? हाँ, और वहाँ पे लोग कहते हैं कि आत्मा भी रहती है। आत्मा? आप ये बताइए कि ये कुंडल आपसे किराए पे कौन लेके गया? एक मिनट। ये पिछले हफ्ते एक कंपनी अपना प्ले करने के लिए लेके गई थी। कौन सा प्ले? बातें तुम्हारी मेरी। बातें तुम्हारी मेरी, क्या इंटरेस्टिंग नाम है। प्ले कैसा था? जी मैंने देखा नहीं। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि वो आदमी कौन था जो ये लेके गया? सर किसी आदमी का नाम तो नहीं है, कंपनी का नाम है, सरोवर ड्रामा कंपनी। सरोवर ड्रामा कंपनी? इस सरोवर ड्रामा कंपनी से पता करते हैं कि असल जिंदगी में ऐसा कौन सा ड्रामेबाज है जो ड्रामा कर रहा है, आत्मा का ड्रामा। थैंक गॉड सर, निखिल अब सही सलामत है। दया सर का शिष्य है, कुछ नहीं हो सकता उसे, देख लेना। सर ये रही नाटक बातें हमारी तुम्हारी की लिस्ट, इसमें इसके सभी टेक्नीशियंस और आर्टिस्टों के नाम है। वैसे तो ये रिकॉर्ड हम सभी को नहीं देते, चूंकि आप सीआईडी वाले हैं और खून का मामला है इसलिए दे रहे हैं। ठीक है, थैंक्स। सी ये क्या, इस एक्टर्स की लिस्ट में इसका भी नाम है? कभी सोचा भी नहीं था कि ये ड्रामेबाज निकलेगा। पहले से शक था कि कुणाल के खून में इस केयरटेकर का कोई ना कोई हाथ जरूर है। अब इस कुंडल ने पूरी तरह यह साबित भी कर दिया। हाँ सर, लेकिन बातचीत से तो बहुत भोला भाला लग रहा था ये। कलाकार जो ठहरा, एक्टिंग तो करेगा ही। देखते हैं। आप लोग यहाँ खूनी का कुछ पता चला? हाँ पता चल गया, और देख भी लिया। कहाँ है खूनी? कौन है खूनी? तुमने खून किया है? मैंने खून किया? हाँ, ये कुंडल तुमने ही किराए पे लिया था ना, जीएस ड्रेस वाले से? हाँ मैंने लिए थे, तो बचपन से अभिनय का शौक है, इसलिए जब भी मौका मिलता है मैं उसका नाटक या इसी तरह के ड्रामा में पार्टिसिपेट किया करता हूँ। लोगों की तालियों से बहुत सुकून मिलता है साहब। अच्छा, अब ये भी बताओ कि एक कलाकार से खूनी कैसे बन गए तुम? सब मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कोई खून नहीं किया है। ये कुंडल हमें जिस खुफिया कमरे से मिला उसके बारे में सिर्फ तुम्हें मालूम हो सकता था, किसी बाहर वाले को नहीं। सर आप किस खुफिया कमरे के बारे में बात कर रहे हैं? हवेली में कोई खुफिया कमरा है ही नहीं। अच्छा, इस हवेली में कोई खुफिया कमरा नहीं है? जिस कमरे में कुणाल की मौत हुई उसी कमरे में जमीन के नीचे है खुफिया कमरा। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं किसी खुफिया कमरे के बारे में नहीं जानता हूँ। तुम दया सर के गुस्से के बारे में भी नहीं जानते। आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? ये कुंडल मैंने अपने कमरे में कपड़े और गहनों के साथ रखा था, अब ये हवेली में कैसे पहुंच गया मुझे कुछ नहीं मालूम। सर हो सकता है कि ये कुंडल खूनी ने चुराया ताकि इन्हें फंसा सके। अच्छा ये बताओ कि पिछले कुछ दिनों में कोई बाहर का आदमी आया था यहाँ पे जिसने ये कुंडल चुराया? ये हवेली शहर से इतना दूर है, भला यहाँ कौन आएगा? और आजकल मेरी बीवी भी मायके गई है, मैं और मेरी बेटी रूपाली यहाँ रह रहे हैं आजकल। आपकी बेटी रूपाली कहाँ पर है? वो दिन में वो काम पे जाती है, शाम तक लौट आएगी। रूपाली सर, काफी रात हो गई लेकिन अब तक वो आत्मा आई नहीं। थोड़ा इंतजार करो निखिल,
आत्मा आएगी भी और बताएगी भी कि वो है कौन। इंतजार खत्म हुआ सर, आत्मा आ गई। इस आत्मा के साथ कोई और भी है। आज तक सीआईडी का पाला हम जैसे शातिर मुजरिमों से नहीं पड़ा होगा। बिल्कुल, हमारा काम भी हो गया और उन्हें भनक तक नहीं लगी। हर मुजरिम को यही गलतफहमी होती है, पर सीआईडी हमेशा एक कदम आगे रहती है। सीआईडी, बहुत भटकली आत्मा बनके। ये सब हमने हवेली हथियाने की लालच में किया था। सरकार बहुत जल्दी इस हवेली को नीलाम करने वाली थी। तो तुम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस हवेली के बारे में डरावनी कहानियां रची जाए, ताकि डर के मारे किसी की हिम्मत ना हो उसे खरीदने की, है ना? हाँ, ताकि कोई खरीदार सामने ना आ सके और विक्रांत इस हवेली को सस्ते दामों में खरीद ले। वाह, हवेली पर कब्जा करने के लिए तुम लोगों ने दो दो खून भी किए, दो दो खून। अगर हम लोग वक्त पे नहीं पहुंचते तो तुम दोनों की लालच में हमारा एक सीआईडी ऑफिसर भेद चढ़ जाता। पर हमने सपने भी नहीं सोचा था कि आप हमें पकड़ लेंगे। सपने में भी नहीं सोचा था। हर मुजरिम कोई ना कोई गलती करता ही है, कोई ना कोई सुराग छोड़कर जाता ही है। बस वो कुंडल उस खुफिया कमरे में था, वो हमें मिल गया और हम पहुंच गए तुम लोगों तक। वो कुंडल मैंने ही वहां रखा था ताकि रूपाली के बाबा फंस जाए और हम सब बच जाए। क्या तुमने सोचा भी कैसे मेरे निर्दोष बाबा को इस गुनाह के कीचड़ में खींचने का? अब पता चला रूपाली, जब अपनों पर आंच आती है तो दिल को कितनी ठेस पहुंचती है। एक पल भी नहीं सोचा ना कुणाल को मारने से पहले कि क्या बीतेगी उस बेचारे के माँ बाप पर, क्या बीतेगी उसके भाई बहनों पर, नहीं सोचा तुमने? रूपाली और विक्रांत, तुम दोनों ने जो गुनाह किया उसकी सिर्फ एक ही सजा हो सकती है, सिर्फ एक ही सजा, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।